गाइस पिछली वीडियो का रिस्पांस सच में काफ़ी डरा देने वाला था मेरे लिए, क्योंकि यार मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो वीडियो बिल्कुल नहीं चलेगी। लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ, मैं थंबनेल चेंज करने के बाद वो आपका रिकमेंड होने लगी। तो यूट्यूब की गलती हो सकती है, लेकिन आप कभी कभी चेक कर लेकर मैं चैनल मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ टाइम पर ही शायद। खैर छोड़ो दूसरी बात है, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि टैलेंट फेम का मुकाबला अगर स्वेरो से हो तो वीजा कौन होगा, जिसके लिए मेरे सब्सक्राइबर ने आइडिया ही दिया है एक तरह से, क्योंकि उसने ये सवाल पूछा है कि टैलेंट फेम बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो कैसे पावरफुल है इसके बारे में हम जानने वाले हैं। पर अगर इसका मुकाबला स्वेलो से होता है तो वीजा कौन निकलने वाला है, यानी कि हम देखेंगे इन दोनों की स्ट्रेंथ को काफ़ी अच्छे तरीके से। तो रिजल्ट का फैसला अच्छे से हो तो हम इन सब पॉइंट का यूज़ करने वाले हैं। तो होप करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट वैल्यूएबल लगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले फन फैक्ट जिससे हमें इनकी राइवलरी थोड़ी अच्छे से दिखाई जा सके, क्योंकि वरना मैं स्टार एक्टर को ले सकता था, लेकिन उसे क्यों नहीं लिया, क्योंकि इन दोनों की राइवलरी सच में काफ़ी कमाल की है। काफ़ी सारी चीज़ें इनमें कॉमन है, फॉर एग्जाम्पल ये दोनों रिजल्ट बर्ड हैं। दोनों का एवोल्यूशन एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन के अगेंस्ट हुआ था। दोनों स्टार्टिंग में काफी बड़े चोर थे, लेकिन बाद में उनकी पर्सनैलिटी का भी बदलाव आ जाते हैं ऐसे मिलने के बाद। दोनों को ड्यूअल बैटल का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। एक तरफ इसने थंडर आर्मर पहन रखा था तो दूसरी तरफ इसने फायर आर्मर बना रखा था, और इन दोनों ने ही दो दो लेजेंडरी पोकेमोन से बैटल कर रखी है। तो इतना कुछ कॉमन होने के बाद इनकी राइवलरी देखने में काफी मजा आएगा। तो पहले बात करते हैं टैलेंट फ्लेम की। टैलेंट फ्लेम एक जुझाने वाला पोकेमोन और एस के कालोस रीजन का पार्टनर, और उसकी पहली मुलाकात जब होती है जब बोनी डेरेने को खाना खिला रही होती है, तभी ये उसकी बैरी को चुरा के भाग जाता है और ऊपर हजा के हंसने लगता है, जो उसके सेंस ऑफ ह्यूमर को भी डिफाइन करता है। इसकी स्पीड से इम्प्रेस होके एस इसे पकड़ने की कोशिश करता है, और फ्रोकी के साथ एक अच्छी बैटल करने के बाद ये उसे पकड़ भी लेता है। लेकिन इतने सारे इमोशन होने के कारण एस के पकड़े जाने के बाद भी ये उसके पोकेमोन से अच्छी बात नहीं कर रहा था, जब तक उन्होंने इसको ओरन बेरी शेयर नहीं की थी, जिसके बाद ये उनके लिए भी लॉयल हो जाता है। और एस को उसकी पावर का अंदाजा था, जिस कारण एस ने इसे हर जिम बैटल में यूज़ किया है सिवाय ल्यूमिसिटी जिम को छोड़ के। फ्लैचलिंग इवॉल्व होता है फ्लैचेंडर में जब वो बैटल कर रहा होता है मारिया के टैलेंट फ्लेम से, और टैलेंट फ्लेम में वो इवॉल्व होता है जब वो बैटल कर रहा होता है एक मोल्ट्रेस से, यानी कि ये डिफाइन कर रहा है कि इसका अपोनेंट अगर से दो लेवल अप होता है तभी से एवोल्यूशन की जरूरत पड़ती है, यानी कि अगर इसके बाद मेगा एवोल्यूशन होता तो मुझे लगता है कि ये उसे बैटल कर चुका होता। करंटली ये प्रोफेसर ओक की लैब में फायर पोकेमोन का दोस्त बना हुआ है और फ्लाइंग टाइप पोकेमोन का थोड़ा बहुत खेल लेता है। पर्सनैलिटी की बात की जाए तो पहली मुलाकात में ये काफ़ी शरारती किस्म का पोकेमोन था, जो काफ़ी सारे इमोशन दिखाता था, जैसे कि हैप्पी, सैड, डिप्रेशन, एक्साइटेड, सारे इमोशन इसने दिखा दिए थे एस की टीम में जो उन्होंने के बाद भी। लेकिन ये काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव लाता है, जैसे कि ये टाइम के साथ मैच्योर होते जाता है और ये अपने दोस्तों के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है। और ये पोकेमोन सच में काफ़ी इंटेलिजेंट है, क्योंकि इसने अपनी गलतियों सीखा हाउलूजा की बैटल में, इसे ये समझ लिया कि टैलेंट फ्लेम की बैटल स्टाइल कौन सा है, उसे काउंटर कैसे किया जा सकता है। और ये एक बार अपनी इंटेलिजेंस दिखाता है जब बैटल कर रहा होता है अनप्रेजेंट से, वहाँ उसके स्काई अटैक को काउंटर करता है अपने फ्लेम चार्ज से, जिसमें पावर लेवल का काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है, लेकिन उसकी स्पीड को कई बार डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके बाद उसका मोमेंटम उतना तेज नहीं बन पाता और तब ये क्लैश कर देता है, जिससे इसका डैमेज इतना कम हो जाता है। करंटली इसको मूव आते हैं रोजर विंड, स्टील विंग, फ्लेम चार्ज और ब्रेव बर्ड, लेकिन रोजर विंड को नहीं मानेंगे, क्योंकि रोजर विंड का यूज़ इसने सिर्फ एक मूवी में किया है, उसके बाद से यूज़ नहीं किया है, लेकिन फ्लेम थ्रोअर का यूज़ किया है जिसके फीट समय नहीं दिखाए गए हैं, तो इस मूव को भी हम कैंसिल कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की, जिसमें से म्यूस्टिक को इजिली उठा के लेके चला गया था। एंड म्यूस्टिक यार ज्यादा बड़ा पोकेमोन है नहीं, उसका बड़ा फीट भी नहीं है स्ट्रेंथ के मामले में, तो यही मान लो कि इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी होगी मगर हमें नहीं दिखाई गई है। तो जब ये स्टील विंग यूज़ करता है तो उसने दो साइक शॉक को ओवर पावर कर दिया था, जो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल मूव है, और ये इसको इम्प्रोवाइज भी कर सकता है स्पिन करते हुए, जिसे ड्रिल पिक बना देता है। और इसने एलान के अनफ्रेजेंट के साथ क्लैश भी कर रखा है, जिससे काफ़ी बड़ा धमाका हो जाता है। नेक्स्ट आता है फ्लेम चार्ज, जिसके बाद इसने एवलेज को काफ़ी बैक कर दिया था, बल्कि ये काफ़ी हैवी पोकेमोन है, माना कि टाइप एडवांटेज थोड़ा मैटर करता है जिस कारण से ज़्यादा डैमेज हुआ होगा, लेकिन जो थ्रश निकला है वो तो उसके दम पे निकला होगा। इसने स्काई अटैक से भी क्लैश कर रखा है, जो कि एक पावरफुल फ्लाइंग टाइप मूव है। इसने सोयर के स्लैकिंग के हैमर आर्म को ओवर पावर कर दिया था, जो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है, बल्कि हाउलूजा के सुपर इफेक्टिव मूव भी इसको ज़्यादा डैमेज नहीं दे पा रहे थे, लेकिन इसने उसे काफ़ी जल्दी गिरा भी दिया था। अब आता है ब्रेव बर्ड, जिसने मोल्ट्रेस को काफ़ी पीछे कर दिया था, बल्कि ये वही मोल्ट्रेस है जिसे टीम रॉकेट के दो मूव को सर्वाइव कर लिया था ईजिली तरीके से, और इसी मूव से इसने म्यूस्टिक को डिफीट किया था, स्लैकिंग को डिफीट किया था और अनप्रेजेंट के साथ ड्रॉ भी किया था। अब बात करते हैं इसकी स्पीड की, तो ये वेव क्रिएट करते हुए जाता है अपनी स्पीड को दिखाने के लिए। और आपको याद ही होगा जब पहले बार इवॉल्व होता है तब ये काफ़ी तेज जा रहा था, जिससे लावा में भी एक वेव उठ गई थी, माना कि ये बहुत बड़ा फीट है, लेकिन इसकी नॉर्मल स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होगी।
क्योंकि उस टाइम पे एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी थी जिस कारण इसे ये करना पड़ गया था, वरना ऐसी स्पीड को दोबारा पाने के लिए इसे एक ऐसी सिचुएशन दोबारा लानी पड़ेगी, वरना ये नॉर्मल बैटल में इतनी स्पीड यूज़ नहीं कर सकता। क्योंकि पानी में वेव लाना तो आसान होता है लेकिन लावा काफ़ी भारी होता है जिसमें वेव लाने के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए होगी, और ऐसी स्पीड तो सिर्फ सिचुएशन में आ सकती है, इसलिए इसकी नॉर्मल स्पीड को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। माना किसी जैपडा उसकी स्पीड को काफ़ी देर तक मैच कर लिया था और काफ़ी सारे रॉक को डोज करते हुए इसके मुंह को डोज कर जा रहा था, और उसकी स्पीड को बूस्ट भी किया जा सकता है फ्लेम चार्ज मूव से, जिसके बाद ये अनफिजेंट को आउटस्पीड कर देता है और उसके स्काई अटैक को मैच भी कर लेता है। तो बात करते हैं इसके रिफ्लेक्सेस की, तो उसने मोल्ट्रस के फ्लेम थ्रोअर को डोज कर रखा है, उसके पास पहुंचते भी गया था एंड फाइनली इसे हिट भी कर देता है। यहाँ तक कि इसने जैपडोस के थंडर बोल्ट को भी डोज कर रखा है। फ्लेम चार्ज के साथ इसने एवलेज की स्टोनेज को भी डोज कर दिया था, ऑलमोस्ट बस आखिरी वाला से हिट हो जाता है क्योंकि वो वल्फ्रिक का एवलेज है, और आपको पता होगा कि वल्फ्रिक का एक्सपीरियंस कितना ज्यादा है, उसके एवलेज ने 1v3 करके दिखा रखा था एक बैटल में। और ये एलान के एनफिजेंट के एयर स्लैश को भी काफी देर तक डोज कर लेता है, लेकिन फाइनली उसे एक हिट हो जाता है क्योंकि वो भी उसके लगभग स्पीड में बराबर ही था, और उसके मूव तो यार थोड़े ज्यादा फास्ट होंगे जिस कारण वो उसे हिट हो जाता है, वरना इसके रिफ्लेक्सेस सच में काफी कमाल के दिखाए गए हैं। इसने जैपडोस को भी काफी टाइम तक उलझाए रखा था अपने रिफ्लेक्सेस के कारण। तो इसकी ड्यूरेबिलिटी और एंड्योरेंस की बात की जाए इन नंबर्स, तो उसने सहा है एक ही बैटल में एक स्टोन एज जो उसके ऊपर 4 times सुपर इफेक्टिव होने के कारण ये काफी डैमेज दे देता है। एवलेंस जो उसके ऊपर नॉर्मल डैमेज देगा लेकिन इसका डैमेज डबल हो जाता है अगर ये पहले हिट ना करे तो, और बिल्कुल ऐसा ही होता है, तो उसका डैमेज होगा 120। उसके बाद से सहा है वो डैमर जो उसके ऊपर 4 times रजिस्ट है जिस कारण इसका डैमेज काफी कम हो जाता है, और उसने फिर सहा है आइस कार्ड एंड फाइनली एक और वो डैमर सहने के बाद ही ये डिफेंट होता है, यानी कि इसने टोटल एक बैटल में सहा है 720 डैमेज। ये नंबर सिर्फ गेम के बेसिस पे हैं, एनिमे में पोकेमॉन की पावर अलग हो सकती है जिस कारण डैमेज में अंतर आ सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ एजम्पशन कर सकते हैं ना कि कोई कंफर्मेशन। एंड्योरेंस की बात की जाए तो इसने सहा है जैपडोस के थंडर बोल्ट को, जिसके बाद उसका कोई असर नहीं दिखाया गया था, ये नॉर्मली बच रहा था उससे जब तक दूसरे थंडर बोल्ट ने उसका खेल खत्म नहीं कर दिया। इसका मतलब ये है इसे डैमेज होता है लेकिन अपनी स्पीड में कोई अंतर नहीं ले गया था, जैसे कि हमने देखा था एवलेज की स्टोनेज के खिलाफ भी। स्वेलो स्वालो पोकेमोन और होइन रीजन में एस का सफर का पहला साथी, जो टेलो के झुंड का एक लीडर जो एस के पिकाचू को चैलेंज करता है कि आज पता लगी जाए कि कौन ज्यादा पावरफुल, और बैटल इनकी काफ़ी इंटरेस्टिंग चलती है और एंड तक कोई भी हारने मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन ब्रोक के कहने पे ऐसे से पकड़ लेता है क्योंकि उसकी जान बच सके, क्योंकि ये मर जाएगा लेकिन ये हार नहीं मानने वाला था, जिसके बाद ये एस की टीम में आ जाता है। इसकी नेवर गिव अप पर्सनैलिटी और डिटरमिनेशन को देखते हुए ये पोकी रिंगर कॉम्पिटिशन में अपनी लिमिट को ब्रेक कर देता है और इवॉल्व हो जाता है स्वेलो में, जहाँ ये टोनेडो से बाहर आ जाता है और प्रूव करके दिखाता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और पोकेमॉन फैंस ने इसको कुछ टाइटल दे रखे हैं जैसे कि MVP ऑफ होइन रीजन, ट्रू पावर हाउस, बैडेस्ट रीजनल वर्ल्ड, शैडो एस, ऐसे कई सारे टाइटल इसको हासिल हो चुके हैं। बात करें इसकी पर्सनैलिटी की तो उसकी पर्सनैलिटी में कोई चेंजेस नहीं आते, ये टेलो में जैसा था बिल्कुल स्वेलो में भी बिल्कुल वैसा ही रहा, यानी कि काफ़ी जिद्दी और ना हार मानने वाला पोकेमॉन, और ये चीज़ इसकी वीकनेस भी बन जाती है जिस कारण ये बैटलफील्ड को जाचे से समझता नहीं है, जिस कारण ये एक बार हार भी चुका है लैटियोस से, क्योंकि ये अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे ही भरोसा करता है बस, और इसी के बेसिस पे ये कभी हारा नहीं था जब तक इसका सामने वाला अपोनेंट ना हार जाए। लेकिन ऐसी पावर का क्या फ़ायदा जब इसे सिचुएशन समझ ना आए, यानी कि इसे इंटेलिजेंट पोकेमॉन डिफीट कर सकते हैं, और इसके करंट मूव है क्विक अटैक, एरियल एस, डबल टीम और एयर स्लैश, जिसमें एयर स्लैश एक लॉन्ग रेंज मूव है जो ये दिखाता है कि ये अपनी गलतियों से सीखता है लेकिन काफ़ी लेट, यानी कि सीनियर रीजन से पहले इसने कोई बदलाव नहीं लेके आ पाया था, लेकिन उसके बाद इसने अपने अंदर चेंजेस लाए हैं जो है स्टार रैप्टर की वजह से आई होंगी, क्योंकि प्रोफेसर ओक ने बताया है कि स्टार रैप्टर का एक हद में काफ़ी अच्छा दोस्त है और एक राइवलरी भी रखता है। तो अभी के लिए एयर स्लैश को हम साइड रख देते हैं जैसे उसके फ्लेम थ्रोअर को रखा था, क्योंकि ये मूव के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन उसकी जगह हम रख लेते हैं विंग अटैक को। तो बात करते हैं इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की, तो इसने 5th रोल आउट को रोक रखा है, यहाँ तक कि ओवर पावर कर रखा है डॉन फैन के, जिसके बाद रोक में भी डैमेज हो गया था, और इसने गिरते हुए मैक्स को भी बचा रखा है। विंग अटैक के साथ इसने विनोना के स्वेलो को डिफीट कर रखा है, बल्कि पहले ही हिट करता है ग्राउंड पे जिसके बाद उसे डिफीट कर देता है। क्विक अटैक की बात की जाए तो ये वेनोमोथ को स्लैम करता है इतनी जोर कि पानी में भी एक प्रेशर उठ जाता है। इसके बाद इसने आर्कनाइन की एक्सट्रीम स्पीड के साथ भी काउंटर कर रखा है, और वेनोसोर को भी काफ़ी अच्छी दूरी तक पीछे धकेल देता है, और इसने मेटाग्रोस के साइकिक एनर्जी को भी ओवर पावर करते हुए उसके शरीर में एक छेद भी कर देता है। तो सच में ये फिजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग साबित हो रहा है। अब बात करते हैं इसकी हेरीलेस की, हेरीलेस के साथ इसने एक जायंट रोबोट को भी गिरा रखा है जो सच में काफ़ी बड़ा था। इसने वेनोसोर को उड़ाई दिया था, जिस डायनासोर को ये थोड़ा पीछे कर पाया था क्विक अटैक की पावर में, वहीं एरियल एस के साथ उसे उड़ाई देता है।
और इतना ही नहीं, इसने हरियामा और सोमपट जैसे हैवी पोकेमोन को भी डिफीट कर रखा है इसी मूव से, और ये दोनों पोकेमोन काफी ज्यादा पीछे जाके गिरते हैं। बात करें इसकी स्पीड की तो इसे टोर्नेडो को उल्टी दिशा में घुमा के उस टोर्नेडो को खत्म ही कर दिया था। लैटियस के साथ इसे कीप अप कर रखा है बैटल में और हाइड्रेगन का चेस करने के लिए भी, और ये सच में इतना ज्यादा फास्ट है कि विस्कास को पानी के अंदर घुसने भी नहीं दिया उससे पहले ये हिट कर देता है। यहाँ तक कि स्पीड फॉर्म डिऑक्सी को भी हिट कर देता है, जिसके रिफ्लेक्सेस तो तेज होंगे क्योंकि वो काफी फास्ट पोकेमोन है, लेकिन फिर भी इसे ओवर पावर करके उसे हिट कर देता है। इसके अलावा इसकी डबल टीम जिसके बाद से रिफ्लेक्सेस और स्पीड दोनों ही चेंज हो जाते हैं, जिसके बाद ने कई सारे मूव कॉम्बिनेशन बनाए हैं जो इसकी स्किल में आते हैं, जो इसके बैटल आईक्यू को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि इसने क्विक अटैक और हेरी लेस के कॉम्बिनेशन के साथ विस्कास को पानी के अंदर जाने नहीं दिया था और उसे फेंट कर देता है। इसके अलावा डबल टीम और क्विक अटैक के साथ वेनसोर की वाइंस को डोज करता है और आरके9 के फायर ब्लास्ट और फ्लेम थ्रोवर को डोज करता है, और सीजोर को हराने के लिए ये तीनों मूव का एक साथ यूज कर सकता है, जिस कारण सीजोर को भी ये डिफीट कर देता है, यानी कि क्विक अटैक, डबल टीम, फिर एरियल एस। इसके रिफ्लेक्सेस हमें ज्यादा नहीं दिखाए गए हैं क्योंकि इसने इसे पॉइंट ब्लैंक रेंज से हाइपर बीम को डोज किया है, और एक मिसाइल जैसी गन है जिसमें गम बॉल्स निकल रही हैं उन्हें डोज कर रखा है जो एकदम स्ट्रेट चल रही थी, और आरके9 की एक्सट्रीम स्पीड को डोज कर रखा है दो बार और पॉइंट ब्लैंक रेंज से। और अगर बात की जाए इसकी ड्यूरेबिलिटी की तो इसने सहा है हरियामा का साइज़मिक टोस, जिसने हराया है इसके टारकोल और कॉर्फिस को, यानी कि इस पोकेमोन का लेवल काफी हाई होगा। मैं लेवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस मूव को लेवल वाइज यूज किया जा सकता है, यानी कि जिस पोकेमोन का लेवल ज्यादा हाई होगा इस मूव का डैमेज उतना ज्यादा होगा, यानी कि अननोन डैमेज के बाद इसने सहा है डोनफेन के 4 रोल आउट को, जिसका डैमेज डबल होते जाता है और उसकी एक्यूरेसी कम होती जाती है, जैसे ये ऑफिशियल बता रखा है, यानी कि टोटल डैमेज इसने सहा है 520 प्लस इसे सहा है एक हाइपर बीम और साइकिक अटैक, यानी कि टोटल इसका डैमेज हो जाता है 760 और अननोन। गाइस रिजल्ट जानने से पहले मेरी कुछ असम्पशन है इन पोकेमोन्स के बारे में विद प्रूफ, जिससे आपको इनकी पावर का एकदम अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। ट्वेलर ने दो लेजेंडरी पोकेमोन से बैटल की है लेकिन दोनों में ही काफी इजीली हार जाता है, ये बिल्कुल भी एंड्योरेंस नहीं दिखा पाता, वहाँ की सेप्टाइल का टाइम था और यहाँ पर पिकाचू का। स्वेलो का बैटल आईक्यू सच में बहुत ज्यादा हाई है और सभी रीजनल बर्ड में सबसे ज्यादा इसका बैटल आईक्यू हो सकता है, लेकिन आईक्यू इसका काफी कम है, जिस कारण मुझे लगता है कि इसको हराया जा सकता है, ये लिमिटेड सोच सकता है और बिना एस की मदद के ये ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएगा। जैसे कि ड्यूअल बैटल में इसे एस के कहने पे ही डोज किया था, और वही टेनन फ्रेम के केस में एस ने इसे फ्रेम चार्ज यूज करने को कहा, लेकिन वो स्काई अटैक को खुद ही काउंटर करता अपनी स्पीड के मूवमेंट से। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि स्वेलो वहाँ डोज ही नहीं कर सकता था, उसका बैटल आईक्यू सच में बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन नॉर्मल आईक्यू उसका काफी वीक है, जिस कारण उसे कई जगह सिचुएशन ऐसी देखनी पड़ेगी जहाँ पर उसको हार का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, तो फिर ये भी कह सकते हैं किसी एयर स्लैश खुद नहीं सिखा होगा बल्कि स्टार एक्टर जिसका बेस्ट फ्रेंड और राइवल भी है उसने इसे सिखाया होगा, क्योंकि वो तीनों रीजन से बिलोंग करता है जिसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग का। तो बात करते हैं टेरन फ्लेम की, जिसको हमें इतना पावरफुल दिखाया गया है लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। ये भी सिर्फ एजम्पशन होने वाली है और एक ओपिनियन कह सकते हो लेकिन प्रूफ के साथ। फॉर एग्जांपल स्लैकिंग की बैटल देखते हैं, जहाँ पर उसने अपने फ्लेम चार्ज से उसको हिट कर देता है और वो काफी दूर जाके गिरता भी है। वो ऐसा इसलिए हो पाता है जब उसका हैमर आर्म फ्लेम चार्ज से टकराता है तब उसका मोमेंटम बिगड़ जाता है, क्योंकि हाउलजर ने उसे काफी ज्यादा डैमेज दे दिया था। जैसे मोमेंटम चेंज होता है तभी वो अटैक कर देता है, और आपको पता होगा कि टेरन फ्लेम के रिफ्लेक्सेस कितने तेज है, सबसे ज्यादा तेज रिफ्लेक्सेस इसी के है, जिस कारण ये सभी बैटल में अच्छा परफॉर्म कर पाता है। और पोकेमोन अगर ऑफ गार्ड होता है तो उसे बहुत ज्यादा डैमेज होता है, ये बात फ्लिंट से अच्छा कोई समझ सकता, और ऐसे ही करके ये ब्रेव बर्ड हिट करता है जहाँ पर वो अभी पूरी तरीके से पोजिशन में नहीं आया होता, उतनी देर में वो हिट कर देता है जिस कारण वो वहाँ पर भी फेंट हो जाता है। और ब्रेव बर्ड तो हमें बहुत पावरफुल मूव है ही, तो पोकेमोन की स्ट्रेंथ इतनी मैटर नहीं करती है ब्रेव बर्ड में, तो जितना में फिजिकल स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और मैं सेम चीज कह चाहूंगा एवलेज की बैटल में आइस फील्ड होने के कारण वो जा पीछे जा पाया, वरना आपने देखा होगा कि स्लैकिंग ने एक स्टील विंग भी खाया था लेकिन उसे बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ था, बिल्कुल हाउलूचा वाली बैटल की तरह वो बिल्कुल वही खड़ा रहा। तो हम कह सकते हैं कि यार उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है जितनी हमें दिखाई गई है, और मैंने आपको पहले बता दिया था कि स्काई अटैक से वो कैसे क्लैश कर पाया था बिना किसी पावरफुल मूव के। तो बात की जाए इसकी स्पीड की तो स्पीड भी हमें दिखाई गई थी, वो सिर्फ एक सिचुएशन बनी थी जिस कारण ये इतनी फास्ट जा पाया था, वरना इसकी नॉर्मल स्पीड एक जेप्डो से भी कम है, क्योंकि जेप्डो जब इसका पीछा कर रहा था तो अचानक से इसके आगे आ जाता है जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर इसकी मोमेंटम स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती तो ये इसे डोज नहीं कर पाता, यानी कि ये मूवमेंट अच्छा कर सकता है लेकिन फास्ट रन नहीं कर सकता, फ्लाई। और सबसे सैड बात टेरन फ्लेम के बारे में, टेरन फ्लेम ने हर जिम बैटल में बैटल की है लेकिन उसे कभी भी मेन इवेंट नहीं मिला, यहाँ तक कि ड्यूअल बैटल में भी वो पहले म्यूस्टिक को डिफीट करता है और उसके बाद ब्रैगेडियर जो मेन इवेंट का हिस्सा बन जाता है, वरना एसके कार्लोस के सभी पोकेमोन को एक न एक बार मेन इवेंट का मौका मिला था, और आप इस बात से भी डिनाई नहीं कर सकते
किसको कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 3 एपिसोड दिए गए हैं, पहला एपिसोड जब इसे पकड़ा गया था और 2 एपिसोड जिसमें इसका एवोल्यूशन दिखाया गया था, उसके अलावा इसको कहीं पर भी यह फोकस नहीं किया गया। तो इस वीडियो को बनाने के बाद भी मेरे ओपिनियन में कोई बदलाव नहीं आए हैं, यानी कि सुयानो इससे ज़्यादा पावरफुल है अभी भी। बस ये जीतने चांसेस रखता है अपनी मूवमेंट स्पीड की वजह से, अपने रिफ्लेक्सेस और आईक्यू की वजह से। तो इसको 35% चांस मिलते हैं जीतने के, लेकिन अभी भी 65% चांस है सुयानो के जीतने के, यानी कि मैंने पिछली रैंकिंग भी एकदम सही की थी। और होप करता हूँ इस बार आप भी एग्री कर रहे हो इस सारे पॉइंट से। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस किया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, एक प्रूफ के साथ एक ओवियल ओपिनियन देना, जिससे मैं आपको क्रेडिट दे सकूँ नेक्स्ट वीडियो में।